तुम बोलो तुम्हारी बहन पहले, पहले बाबू तो महात्मा महात्मा गांधी तुम बोलोगे तब तक बिना सोच लेंगे नहीं, 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 आप रहे हो यहाँ पे आप बोलो ज्यादा अच्छा लगे। अच्छा तुम नहीं थी यहाँ हम बाद में फाइनली देखो कल आज विनय सारा दिल के बात बोल जाओ रो दो विनय नहीं विनय एक चीज हम बताएं कल के कथा में परसों कथा में गुरुजी बता रहे हैं ये भी सुने होंगे कि अगर ना भाई अगर भाई लोग या बहन लोग कभी भी तकलीफ में हो कभी भी लगा कि मैं जिंदगी से बहुत हार गई मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये बताए थे कि कभी कभी भाई बहन एक दूसरे के पास टाइम देकर दिल की बात शेयर करें मतलब अगर कभी आ जाए करो बिना रोने नहीं नहीं हम तो भाई देखो इन लोगों अच्छे रास्ता ही दिखाते हैं कि मेहनत करो आगे बढ़ो हम लोग कभी बुरा नहीं चाहते और ये लोग भी सोचते हैं कि हमारी बहन भी मेहनत करे आगे बढ़े लेकिन मुझे लगा कि ये चीज सही है जैसे मैं जैसे ननद से उस दिन बात करी तो नहीं बोली कि तुम लोग घबराया मत करा करो जिंदगी में धूप छाए सबके ऊपर होता है घबराया मत करो वही बात ना गुरु जी नेक्स्ट दिन ब्लॉग और वीडियो बताए ना हमके बताओ तो कहे वो गुरु जी से अरे मुझे तो कोई कंटेंट नहीं मैं क्या उनसे कहूँ मन पढ़ लिया वही बात उन्होंने बताया हमके ये बात सही है कभी अगर कोई दुख में ना उनको रास्ता दिखाना चाहिए मन हल्का हो जाता है ये चीज तो हम बोलते हैं हमेशा कि बात करने से थोड़ा सा तो चलो आप स्टार्ट मन के बारे में दस बोलो आप अरे आप रहे हो यहाँ पे शुरू करो हम बोल रहे हैं तो गाइस सबसे पहले आज बंदा जी का बर्थडे है तो इनको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और जो इनके लिए मैं दो चार शब्द अपने वंश बोलना चाहता हूँ क्योंकि देखिए जो मेरी शुरुआत ना इन्हीं के घर से हुई है जब फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया था तो इनको लेने आया था मैं तो उस टाइम मैं बिल्कुल अनजान था इस नए शहर में बिल्कुल मतलब एकदम मेरा जो लुक था बिल्कुल देहाती था यहाँ आके फिर मैंने हाँ हीरो बन गए उस टाइम जो गांव में लोग रहते थे नहीं पता था इनको कॉमन तब तक नहीं मिली थी ना स्टेशन छोड़ने जाता था हाँ तो इस घर से एक बार पुलिस वाले को पैसे देकर मैंने इनको ट्रेन में बैठाया तो इस घर से मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है हाँ बिना भी बहुत साल रहा इस घर में मैंने मतलब तीनों घर में रह चुका हूँ और यहीं से रहते हुए फिर मैं हाँ दिल्ली से ऐसा लगाव सा हो गया फिर बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में अपने ब्लॉग में अरे इमोशनल अरे बोल रहा था बोलने दो फ्लो खराब कर दिया फ्लो खराब कर दिया कभी ना ये ब्लॉग बनाया करो ना मैं लाइफ में कितना दिल्ली में कहाँ कहाँ जॉब किया कैसे थकी खाए क्या क्या तब जाकर ये चीज ना तुम शेयर करो कैसे क्या किया लेकिन ये चीज हम लोग दिल से कभी कहते नहीं है लेकिन कभी कभी सोचते कहने के लिए सोचते लेकिन भूल जाते हैं लेकिन याद आ जाता है कैसे इंसान यहाँ तक पहुँचता है वो चीज तो बताना चाहिए हम जब सामने इंसान रहते हैं चलो आप लोग मेरे पॉडकास्ट में आओ पॉडकास्ट में बातें शेयर कर हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं माइक सिस्टम वगैरह सब कुछ आ गया है और या तो इनवाइट क्या करना है सब लोग चलो दो पॉडकास्ट हमारा हो गया एक विनय कोमल इन लोग का हो गया हम बताएंगे तो एकदम भर के हमारे आंख से आंसू गिर जाएंगे चलिए गाइस बाकी सारी कहानी सुनेगा जो ना दरिया बहने वाली दरिया आएगी के साथ और पहले की आप बन्ना जी बहुत जीवन में बहुत खुशियां मिले और उनका माता रानी जो उनका इच्छा है पहले तो देखो सब का इच्छा होता है कि एक लड़की का एक वाइफ का होता है कि सबसे पहले हमारा खुद का घर हो तो जीजा के लिए भी और दीदी के लिए भी मैं चाहता हूँ उनका सबसे पहले घर हो और उसी के साथ साथ हमारा कोमल का भी घर हो बहुत जल्द आगे आगे चलिए हम पीछे नहीं नहीं तो कहते हैं कि भगवान जो ज्यादा तकलीफ पहले उसका दे दीजिए हमको नहीं तकलीफ में कोई नहीं है भगवान सब चला रहे हैं बोलो अब आप बोलो समय होता है तकलीफ में कोई नहीं है देखो हमें घर के बारे में चीज बताना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के रेट दिन पर दिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं हम बता रहे हमने जो लिया था वो तो अभी समझ लो कि अब तो 1 करोड़ भी पार चला गया तो वही चीज है बताओ एक चीज बताओ ठान लोगे ना ठान लोगे अब जब हम लोग लेने गए थे कहाँ पैसा था नहीं पता नहीं कैसे ले लिए एक बार कोमल भी कहते कि एक बार हाथ लगाओगे ना अपने आप सब नहीं अगर हाँ लोगे ना तब आपको टेंशन होगा कि मुझे देना है कैसे भी करके देना है बस इतना भी टेंशन नहीं लेना डिप्रेशन में चले जाओ देखो उतना ही उसी हिसाब से लेना कि भाई अगर मेरा ये काम अगर ये भी नहीं चले तो ये भी चले तो हम चुका दें बस गाड़ी उसी स्पीड से चलाओ जिसमें कंट्रोल कर लो सच में सबने अपने दिल की बात रखी नहीं 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 बताया बोल रहे हैं हैप्पी कोमल का रह गया थोड़ा सा थैंक यू और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके पास में हैं जब भी जरूरत पड़ता है आप आ जाती हैं जब मुझे जरूरत पड़ता है हम आपके यहाँ आ जाते हैं ऐसी खराब तो आए नहीं हम भी आपके घर आ जाते हैं खाने के लिए आते हैं ना नहीं वो तो लोगों का
आपके आपके नजर में तो खाने नहीं आते हैं खाने के लिए, हम तो वैसे आते हैं वो तो हमारा प्यार है, इसीलिए पता है हम पता है कुछ बनता है बुलाते भी नहीं कि यार लोग बुलाते हैं बुलाते हैं लेकिन चार बार बनाते हैं, तीन बार बुलाते हैं, एक बार स्किप कर देते हैं। अरे क्या बनाई थी ना, अरे क्या बनाई थी यार, ब्रेड पकौड़ा। आज कोमल बनाई ही गई नहीं नहीं कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में आता है बोले, उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और ऐसे आज टू व्हीलर लिए, कल फोर व्हीलर लीजिए, हम लोग भी बैठे घूमे हुए। हाँ बिल्कुल यार, स्कूटी ली, स्कूटी की आपको बहुत बधाई। हम तो कल तो भूल गए यार, हम तो सुबह ही बोले, हम तो सुबह ही बोले की हमको दो पार्टी चाहिए। अरे हम सोच रहे मान लो कभी जिया गाँव चले जाएंगे तो हम ही इनका चाबी लेके हमें कभी ड्यूटी। अरे हमारा तुम्हारा बाटा है, ऐसे होता ही है। हाँ, तो क्या? बस तेल भरवा लेना इनका, जो पानी जब इनका पानी खत्म होता है तो हम इनको अपना तो चाबी लेके जाते हैं और रात को देखते रहना कोई उठा के नहीं लगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके यहाँ पानी खत्म रहता है और हमारे यहाँ पानी नहीं खत्म होता है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, सारे लोग अपने दिल की बात बोले और हम भी कहते हैं आप लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो। हम तो कहते हैं पापा सबको झोली भरे, सबको धन दौलत अच्छी बच्चा सबको दे, बच्चा दे संभालेगा भाई, जिनको नहीं उनके लिए फोटो खिंचवा लो साथ में, फोटो चलो तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना पीना खा के वहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करके सीधा घर आ गए और हमारा गेट है बंद, तो आंटी जी लेकर आई, सॉरी आंटी। देखो कॉकरोच, हाँ देख रहे हैं, लॉक था गेट खुल गया, बंद कर देंगे। The next day, नंबर नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होती थी, पता जल्दी लोग मिलते नहीं है, भाव खाते हैं भाई। मेरे पास तो वैसे टाइम नहीं ज़्यादा, मेरा साइड होगा काम है ना। हाँ ये बताया था मेरे पास भी, पता एसी के बिना जैसे वो लगता है कि बहुत रात में कितना परेशान हो गए। आप एसी चला रहे ना, इससे बंद करना हो या तो पर्दे बंद करो या प्लग निकालो। आप प्लग ही निकालेंगे। अच्छा ऊपर से बंद करने से फिर वो बिजली बिल गिरता है मीटर? हाँ बिलाएगा, बगैर क्यों नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने रिमोट से बंद कर दिया, स्टेबलाइजर ऑन रहेगा उसका बिल आएगा ना। अच्छा स्टेबलाइजर का आएगा, एसी का नहीं। हम लोग ऐसा करते हैं ना हमेशा, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो भैया परसों आप कब सुबह आओगे आप? मैं 11 बजे के बाद आऊँगा, जब भी आऊँगा 11 बजे बाद सुबह। तो फाइनली गाइस देखिए एसी हमारा बंद, मतलब ये बोर्ड ख़राब था तो कल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हम कहे चलो पहले आते ही इसको काम कराया, अब चल रहा है सुबह से। आज मैडम जी बिना एसी की थी, कैसा लग रहा था आज? ऐसा लगे क्या, गर्मी बहुत लग रहा था और क्या। अरे बाप गर्मी बहुत था, अब बाबू को गर्मी से देखो दाना भी निकल गया नाक पे उसके, एक ही दिन में देखो इनका हालत खराब हो गया, देखो गाल पे भी निकल क्या हो गया लाल लाल ये। अरे कैसे दिख रही है इसके चेहरे, क्या हुआ ये? वही दाना निकला है, ये सब कुछ लगा है जी, वो खाई है कुछ, वही लगा है। अच्छा बाबू बेबे बेबे ए फोर ए फोर ये फोर, उसको पता है कैमरा चल रहा है ना, ये बोलती है कैमरे में। तो गाइस इधर ये मोमोज लपेट रही हैं, हमको लगा था बहुत तेज भूख, ये बोली आप लेके आना, कोई ठीक है मैं लेके आता हूं। आज हम बनाए थे चिल्ला चिल्ला वाला, हम तो भैया ना गर्मी कुछ खाएंगे नहीं भैया, बस एक गिलास दूध पी के बस सो जाएंगे। चलिए कल हम लोग गए थे पार्टी में, आए सोए, फिर सुबह ड्यूटी गए, फिर ड्यूटी से आया तो भैया पहले इलेक्ट्रिक का काम कराया घर में, ये बोर्ड का। परसों फिर बुलाया मैंने उनको, बोर्ड वगैरह कुछ ख़राब है तो उसको भी सही कराना है क्यों। तो चलिए गाइस ये वाला ब्लॉग साफ करते हैं, आप लोग से मिलते हैं अच्छे नए ब्लॉग में। क्या करोगी भाई, गृहस्थी चलाने में तो होता ही है। बेटू बेटू क्या चाहिए, मोमोज खाएगी नहीं लेती, पनीर वाला मोमोज लपेट रही है खाई नहीं। चलो कोई नहीं।